अस्सलामुअलैकुम थ्री क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम नाजरा पढ़ते हैं पहला पारा, निस से हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम निस तक पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 78 से शुरू करेंगे। आयत नंबर आपकी है 79, लेकिन हम स्टार्ट 78 के फर्स्ट से करेंगे। मेरे साथ पढ़ें आप। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من बेटा ये देखें लास्ट पे, जैसे कि इसके तो लिखा हुआ है, इसके लास्ट पे इसका मतलब ये है कि हम यहाँ वक कर सकते हैं, रुक सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा है, मैंने पढ़ा है मादूद, तो हम इधर वक भी कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी, हम वक पढ़ लें तो वक भी हो सकता है, यहाँ पे जायज़ है वक करना। आगे पढ़ें, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युख्लिफल्लाहु अहदहु अम तकूलून अला अल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहाकत बिही खतीअतुहु फऊलाइका असहाबुन। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे वक्फ किया है, यहाँ पे जीम है, और जीम की हालत में भी हम वक्फ कर सकते हैं, जायज़ है, दोबारा लुटाना ज़रूरी नहीं है। हुम फीहा खालिदून। जी स्टूडेंट्स, थ्री क्लास आज के लिए इतना ही। आपने इसको याद करना है, और जिसको कोई समझ ना आए, आयत की पढ़ना ना आए, वो अपनी मदर से हेल्प लें। और इसके अलावा आप हम पांचवा कलमा याद करेंगे, पांचवा कलमा पढ़ेंगे आज, आपने मेरे साथ पढ़ना है। चलें स्टूडेंट, पांचवा कलमा पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार मैंने बख्शिश तलब करना। أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। जी स्टूडेंट, थ्री क्लास आज के लिए इतना ही। आपने पांचवा कलमा याद करना है, और याद करके अपनी मदर को सुनाना है। चले आप दुआ के लिए हैंड रेज करें। ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वअहदिनी
मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा, मुझे हदायत दे, मुझे आफियत दे, मुझे रिस्क दे, मेरे स्कूल अमेरिकन स्कूल को तरक्की और कामयाबी अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।